दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, जब बात आती है घर लेने की तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं और इसी बीच हमारे हाथों से कई बेस्ट प्रोजेक्ट रह जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य फाइन होम्स आपके लिए लेकर आते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस में से बेस्ट प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए जयपुर में सर्च करके लेकर आते हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक मिड बजट रेंज में फुल्ली फर्निश और लग्जरी आपको मिलने वाला है। इसके अंदर जो इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। हम आपके लिए इसी तरीके के प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जो आपके बजट, लोकेशन और इंटीरियर डिज़ाइन सब कुछ आपके अकॉर्डिंग रहता है। तो अभी जो हम आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और भी आपके लिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की जो हम देखने वाले हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा स्वस्तिक हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट है। लोकेशन की हम बात करेंगे तो ये लोकेटेड है हस्तिनापुर गांधी पथ वेस्ट पे। आसपास की कनेक्टिविटी दोस्तों इसकी रहेगी मेन गांधी पथ पुलिया से मात्र 700 मीटर के डिस्टेंस पर ये रहेगा। साथ ही में दोस्तों, रंगोली गार्डन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये रहने वाला है। जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड से 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका रहेगा। तो आप एक बार इस बिल्डिंग का बाहर से एलिवेशन देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन इसका रहने वाला है। प्रोजेक्ट के बाहर आप देखेंगे तो 40 फीट वाइड रोड आपको मिल जाती है। आसपास का जो सराउंडिंग है रेजिडेंशियल रहने वाला है, तो बहुत ही खूबसूरत ये प्रोजेक्ट रहेगा। JDA अप्रूव्ड रहने वाला है, इजी लोनेबल है, साथ ही में G+5 की ये बिल्डिंग रहेगी। एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लिफ्ट, पार्किंग, सिक्योरिटी कैमराज, इन सभी की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। प्रॉपर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 3BHK अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ हम करेंगे इसका एक टूर, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे आपको इंटीरियर डिज़ाइन का वर्क देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये आ जाता है आप लॉबी एरिया। आप देखिए यहाँ पर स्टेयर्स का प्रोविजन भी दिया गया है, साथ ही में आप देखेंगे लिफ्ट की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक फ्लोर पे दोस्तों आपको मिल जाएंगे 2 अपार्टमेंट आप देखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3BHK अपार्टमेंट। आप देखिए इसकी एंट्रेंस कितनी ब्यूटीफुल एंट्रेंस रहेगी। एंट्री डोर वुडन हैवी डोर आपका रहेगा। डिज़ाइन आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन रहेगा, ये आपके एंट्रेंस को और भी ब्यूटीफुल बना देता है। काफ़ी प्रीमियम रहने वाला है, प्रीमियम लॉक्स के साथ में। तो यहाँ से जैसे एंटर करेंगे दोस्तों हमारे अपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस अपार्टमेंट के साइज़ की तो 1450 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। काफ़ी डिसेंट साइज़ आपको मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर आ जाता है आपका ब्यूटीफुल लिविंग एरिया। इसका डायमेंशन रहेगा दोस्तों 15x14 के डायमेंशन में। आप देखेंगे पीछे की वॉल पे आपको कितना ब्यूटीफुल इंटीरियर वर्क देखने को मिलेगा। वुडन वर्क ये रहने वाला है। काफ़ी खूबसूरत पैनल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। पीछे आप देखेंगे, पीछे भी आपको वुडन वर्क देखने को मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए 5-7 सीटर आपका सोफ़ा आ जाता है। यहाँ बीच में आप सेंटर टेबल अरेंज कर सकते हैं तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। सामने आप देखेंगे दोस्तों LED स्पेस आपका यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल आपका LED स्पेस रहने वाला है। इसके नीचे आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसको डेकोरेट किया है। ये आइडिया आप देखिए, आप भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपके घर में लिविंग एरिया में स्पेस है तो। और यहाँ पर आप देखिए वॉल पे आपको एक वर्क मिल जाएगा बहुत ही ब्यूटीफुल वुडन पैनलिंग का। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा यूज़ किया है। फॉल सीलिंग की तरफ आप देखिए दोस्तों कि फॉल सीलिंग में आपको एक डिज़ाइनर फॉल सीलिंग मिल जाती है। वॉल पेपर का वर्क इसमें आपको मिल जाएगा। फैंसी फ़ैन आप देखिए यहाँ पर लाइट के साथ में फैंसी फ़ैन आपको मिल रहा है। यहाँ से हम दोस्तों आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका डाइनिंग स्पेस। 6 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉश बेसन एरिया। वॉश बेसन आप देखिए कितना प्रीमियम लुक के साथ में रहने वाला है। और नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत ही बढ़िया स्टोरेज। साथ ही में दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सैनिटरी बाथ और वायर फिटिंग्स की, तो वो आपको काफ़ी ब्रांडेड मिलने वाले हैं। साथ ही में 10-3 ईयर्स की वारंटी के साथ में मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा कॉमन वॉशरूम। दोस्तों 4x8 के डायमेंशन में रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी सीट आ जाएगी।
साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ पर फुल सीलिंग तक आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा। ये आपका वॉश बेसन आ जाता है, साथ ही में वेंटिलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉपर सोर्स दिया गया है। गीजर की फिटिंग आप देखें, यहाँ पर आपको गीजर भी दिया जा रहा है। फुल फर्निश रहने वाला है दोस्तों ये अपार्टमेंट। साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 3 बेडरूम, जिसमें से आपको 2 बेडरूम्स में मिल जाएगी बालकनी। तो वेंटिलेशन का सोर्स भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो अभी हम चलते हैं हमारे मॉड्यूलर किचन की तरफ दोस्तों। तो ये हमारा मॉड्यूलर किचन आ जाता है दोस्तों। ये आपकी सेपरेट किचन रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डोर भी मिल जाएगा, तो ये आपकी सेपरेट किचन हो सकती है। और आप देखेंगे कि ऐसा डिजाइन आपने काफी कम देखा होगा कि यहाँ पे ग्लास वर्क दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पार्टीशन किया है बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टीशन किया गया है। तो ये आपकी सेपरेट किचन हो जाती है, मॉड्यूलर किचन आपकी रहेगी दोस्तों। 7x12 के डायमेंशन में रहेगी, काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे काफी सारी ड्रॉर्स। एल शेप में हो जाता है आपका काउंटर टॉप। यहाँ पर आपका वेटेरिया आ जाएगा। साइड में आप देखेंगे स्लाइडिंग डोर के साथ में यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। और यहाँ पर आप देखिए चिमनी की फैसिलिटी आपको मिल रही है। साथ ही में कैबिनेट्स आप देखिए काफी अच्छे साइज के साथ में आपको कैबिनेट मिल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा स्टोरेज आपको मिल रहा है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे आरओ और गीजर की फैसिलिटी भी दी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन। अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। किचन के बिल्कुल पास में रहेगा दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसके साइज की अगर मैं बात करूंगी दोस्तों, 12x14 के डायमेंशन में रहेगा। देखिए आप, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। कितना ब्यूटीफुल इंटीरियर डिजाइन किया है वो आप देख ही रहे होंगे। बेड के पीछे आप देखिए कितना खूबसूरत वर्क यहाँ पे किया गया है। वुडन वर्क आप देखेंगे यहाँ पे, बीच में वॉलपेपर का वर्क किया गया है। कुछ फैंसी लाइट यहाँ पे यूज की गई है इसे और इनहेंस करने के लिए। और यहाँ पर आ जाता है ड्रेसिंग एरिया, प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया आपका रहेगा। नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पर आपको वाइड विंडो मिल रही है। कितना अच्छा आपको जो सनलाइट है आपके रूम में आ रही, नेचुरल सनलाइट आपके रूम में आएगी। और जो वेंटिलेशन है वो भी प्रॉपर बना रहेगा। फॉल सीलिंग देखेंगे आप दोस्तों, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पर आ जाती है आपकी वार्डरोब्स। साइज आप देख सकते हैं वार्डरोब्स का, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और स्लाइडिंग डोर के साथ में रहेगी, ये देखिए काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर आ जाता है एलईडी स्पेस, आप देख रहे हैं वुडन के आपको यहाँ पे ड्रॉर्स मिल जाएंगे जो कि वॉल माउंटेड रहने वाले हैं। डिजाइन आप देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है। स्टोरेज आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे कुछ शेल्फ हैं, इसमें आप कुछ भी डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको एक वॉशिंग एरिया भी मिल जाता है, ये देखिए। वेंटिलेशन का भी सोर्स यहाँ से बना रहेगा, साथ ही में टैब आपको मिल जाता है। वॉशिंग एरिया आप इसे यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाता है, सनलाइट आपको मिलती रहेगी। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम। और चलते चलते मैं आपको इस फ्लैट के प्राइस के बारे में बता देती हूँ दोस्तों। ये जो फ्लैट आपको मिलने वाला है फुल्ली फर्निश मिलेगा, साथ ही में 55 लाख के प्राइस में आपको मिल जाएगा ये एज इट इज। एक मिड बजट रेंज में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में ये 3 BHK अपार्टमेंट मिलने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। साथ ही में दोस्तों JD अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट, इजी लोनेबल है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ पर एंटर करते ही आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा अटैच वॉशरूम, जिसका डायमेंशन रहेगा दोस्तों 6x5 के डायमेंशन में। गीजर की फैसिलिटी आपको मिल रही है। वॉल्स पर आप देखेंगे फुल सीलिंग तक आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा। ब्रांडेड यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स एंड बाथ फिटिंग्स की गई हैं 10 to 3 years की वारंटी के साथ में। और ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम, 10x13 के डायमेंशन में रहेगा दोस्तों। देखिए कितना ब्यूटीफुल स्पेस आपको मिल रहा है, स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा किया गया है। साथ ही में बेड के पीछे देखिए आप कुशन वर्क, साथ में वुडन वर्क किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल। इसको डेकोरेट किया है वो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से। इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि आप भी अपने रूम में बेडरूम को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। फॉल सीलिंग की तरफ देखेंगे तो डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही में देखिए आप इस रूम में भी आपको मिल रही है बहुत ही वाइड विंडो।
काफी अच्छा वेंटिलेशन बना रहेगा आपके रूम में, प्रॉपर सनलाइट आपके रूम में आएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाती है बालकनी के लिए एक्सेस, आप देखिए इस बालकनी के लिए एक्सेस आपको इस रूम से भी मिल जाएगा और आपके जो थर्ड रूम है वहां से भी आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आ जाती है हमारी वार्डरोब्स, आप देखिए वुडन वार्डरोब्स रहेगी सनमाइका वर्क के साथ में, ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में, स्पेस काफी अच्छा आपको मिल जाता है। स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगी तो ये आपके रूम का स्पेस भी कम नहीं करती है। एसी के लिए फिटिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इसी के जस्ट पास में दोस्तों हमें मिलेगा थर्ड बेडरूम, और जो हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा दोस्तों ये किड्स बेडरूम रहने वाला है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किड्स बेडरूम को आप डेकोरेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों 9x14 के डायमेंशन में रहेगा ये बेडरूम, आप देखिए किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है किड्स बेडरूम के लिए। देखिए आप बैक वॉल पे कितना ब्यूटीफुल डिजाइन दिया है, वुडन पैनलिंग की गई है कुछ प्रोफाइल लाइट के साथ में, साथ ही में एक वॉलपेपर का वर्क दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको एक ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, साथ ही में आप देखिए एक जो बेड यहाँ पे दिया है, सोफा कम बेड यहाँ रहने वाला है। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगी स्टडी टेबल आपके बच्चों के लिए, साथ ही में इस रूम में आपको मिल जाती है एक स्पेशियस बालकनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रूम से भी आपको एक्सेस मिल जाती है बालकनी के लिए, एक बार हम देख लेते हैं। स्लाइडिंग डोर के साथ में रहेगी UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ में, SS रेलिंग और टफन ग्लासेस का यूज किया है, हाइट एकदम ठीक रखी गई है बच्चों के हिसाब से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और आप देख सकते हैं आसपास का सराउंडिंग। यहाँ पर आ जाती है दोस्तों बच्चों के लिए वार्डरोब्स, फुल सीलिंग तक रहेगी, काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, शेल्फ यहाँ पे कुछ बना के दिए गए हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिजाइन किया है। फॉल सीलिंग आप देख लीजिए, डिजाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे दी गई है, साथ ही में एसी के लिए फिटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्यूटीफुल 3BHK अपार्टमेंट, जो कि आपने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। आपने देखा होगा कि हर एक पर्टिकुलर स्पेस को यहाँ पर किस तरीके से डिजाइन किया है, कौन से स्पेस को किस तरीके से यूज किया है, स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा यहाँ पर किया गया है। तो आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से काफी अच्छा आइडियाज मिले होंगे, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आप और भी इस तरीके की वीडियोज चाहते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई हमारी नई वीडियो आए वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much.